नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में। आज हम बात करेंगे कि कैसे चिकन पॉक्स को नेचुरली हमने ठीक करना है। देखो, अगर आपको चिकन पॉक्स हुआ या आपकी फैमिली में किसी को हुआ या किसी बच्चे को हुआ, तो यह जान लीजिए कि आपने नेचर की कोई ना कोई मिस्टेक की है, उसी की वजह से हुआ है। चिकन पॉक्स को हिंदी में कहते हैं छोटी माता चेचक। देखो, नेचर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है, जब भी किसी की डेथ होती है, साथ ही साथ जितने भी जो आंखों से दिखाई नहीं देते विषाणु, तो वो जाते हैं तो तथा उस डेड बॉडी का विघटन हो जाता है अगर उसको जलाया या उसको दफनाया नहीं जाता। तो यह क्यों होता है? ताकि वर्ल्ड में जहां हम रहते हैं, जितने भी वर्ल्ड के जीव जंतु, उनके लिए पोल्यूटेड चीज ना रहे, क्योंकि पोल्यूशन अगर आपको स्मेल आती है, इसका मतलब उनका विघटन हो रहा है। ऐसे ही बॉडी में अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हो, नेचर की, नेचर बनाई है परमात्मा ने, तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कम हो जाता है तथा आप में शक्ति नहीं होती इसको जीत सको। वही व्यक्ति जीत सकेगा जिसका इम्यून सिस्टम सॉलिड होगा। ओके, तो हमने कैसे इम्यून सिस्टम को सॉलिड बनाना है, उसके ऊपर फोकस करना है। देखो, अगर आपको चिकन पॉक्स हुआ है तो समझ लो यह एक क्रिकेट का मैच है जो आप हार चुके हो, क्योंकि आपको क्रिकेट खेलना ही नहीं आता, उसमें आपने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं दी। 11 प्लेयर ने अगर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी दी होती तो टीम आपकी जीतती। अगर कोई भी चीटिंग करे, बॉयलर चीटिंग करे, चाहे आपका विकेट जो कीपर है वो चीटिंग करे, बैट्समैन चीटिंग करे, तो टीम जीतती नहीं है। तो इस समस्या में क्या होता है कि आपके फुल बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ जाता है, छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाएंगी तथा आपका दिल उसको स्क्रैच करने का करेगा, खुजली करने का करेगा, आपको बुखार आता रहेगा, यह फुंसियाँ बढ़ेंगी यदि इनको नेचुरली क्योर ना किया जाए। मैं किसी भी इंजेक्शन के पक्ष में नहीं हूँ, किसी भी मेडिसिन के पक्ष में नहीं हूँ, नेचुरली क्योर हो सकता है। तो यह फुंसियाँ अगर आप नेचुरली क्योर नहीं करते, ये फुंसियाँ बढ़ती हैं तो पस उसमें जम जाता है तथा पेनफुल हो जाता है। तो आइए हम सीखते हैं कि कैसे हम इसको नेचुरली क्योर कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, नो डिस्टर्ब इट बाय स्क्रैचिंग मोर स्क्रैच मोर बिग। आप की सबसे पहली जो ड्यूटी है, पहला जो स्टेप है जो आपने फॉलो करना है, जो भी आपकी बॉडी में छोटी माता या चेचक के फिंसियां आई है, उसको आपने छीलना नहीं है। अगर आपको खुजली हो रही है तब भी सहन करना है। तो यह बहुत सिंपल सा है, ऐसा ही है कि डिफेंडर जो है क्रिकेट की टीम में स्टैंडिंग है, तो एक व्यक्ति कहता है आओ ये गोलगप्पे खा के आए, मीन्स आपने मिस्टेक की होंगी बाद में, ठीक है, क्रिकेट में मैं गोलगप्पे खाने को मना नहीं करता अगर क्रिकेट टीम में आप खेल रहे हो, बट उस टाइम आपकी ड्यूटी क्या थी? क्रिकेट चल रहा है, कभी भी बॉल आ सकती है, आपको उसको कैच करना है, आपको जीतना है, बट आपने नहीं की। अगर अब आपका मन कर रहा है, इसका मतलब यह मिस्टेक है माइंड की, आपको अपने चिकन पॉक्स के जो है स्क्रैच नहीं करना। ओके, उसको वैसे ही रहने दो। आपने क्या करना है, यानी आपने डिफेंडर की ड्यूटी अच्छी निभानी है। सेकेंड स्टेप, होल बॉडी कोल्ड वाटर पट्टी अप्लाई ऑन द पेनफुल एरिया, चेंज द वाटर। ठंडा पानी ले लीजिए, जहां भी स्क्रैच होता है, कॉटन की जो पट्टी आपने पूरे शरीर में लगाई है, जहां जहां भी आपके यह चिकन पॉक्स हुए हैं, आपको रिलीफ मिलेगा, डस्ट वहां से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे अच्छी बात हो कि नीम के पत्ते हो, उसको भी कूट लीजिए दवे सोटे में, उसका रस भी इसमें डाल दीजिए, हल्के हल्के कॉटन से वहां लेप लगाइए, तो आपके यह चिकन पॉक्स 3 या 4 दिन में टोटली ठीक हो जाएंगे। ओके, तो यह कौन सी ड्यूटी है? यह ड्यूटी है बैट्समैन की।
बैट्समैन की ड्यूटी मतलब मींस ये है कि बैट्समैन का मतलब ये है जो उसे गोल दिया जाता है होनेस्टली उसको फॉलो करे। मैंने आपको गोल दे दिया कि भैया तुम बैट्समैन हो और यहाँ जो भी बॉल आती है उसके ऊपर हिट करो, अगर आप यह ड्यूटी नहीं करोगे, आप कोल्ड वाटर नहीं लेके आओगे, आलस करोगे, नीम के पत्ते को कूट के उसका रस नहीं लगाओगे, तो आपका यह नेचुरली क्योर नहीं होगा, क्योंकि बेईमान बैट्समैन फुल टीम को हरा देता है, कोई बॉल को वो हिट मारता ही नहीं, तो आपने ऐसा नहीं करना। थर्ड स्टेप, नेवर ईट हॉट एंड एसिडिक फूड। इन द पास्ट आपने बहुत ही तला हुआ, भुना हुआ मिर्च मसाले डाल डाल के खट्टा मीठा, मींस खट्टी चीज कैसे बनती है, नमक और चीनी इकट्ठे खा लेना, मीठा और खट्टा इकट्ठे डालना, तो उससे क्या है फूल बॉडी का जो ब्लड होता है विषयुक्त हो जाता है, जिसकी वजह से यह है आपके चिकन पॉक्स होते हैं। तो अब आपने जो बॉलर की ड्यूटी है ईमानदारी से निभाना। पहले क्या था, आपने खट्टा मीठा काफी गर्म भोजन खाते रहे, उसके उसका मतलब मैं क्रिकेट में बताता हूं कि बॉलर के पास बॉल आई, उसने कैच ही नहीं की, उसने कभी निशाने पे विकेट के को हिट नहीं किया, कभी बॉल इधर मार देता है, कभी बॉल इधर मार देता है। अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए उसको अच्छा बॉलर होना बहुत आवश्यक है, अच्छी तरह से बॉल को हिट करे उसके विकेट में, तभी जीतोगे। ओके, अब तो कर सकते हो। अब क्या करना है, आपने 7 दिन के लिए नेचुरल जो मीठे मीठे फल हैं वृक्ष के ऊपर होते हैं, अभी शतूत का मौसम है, शतूत के मौसम में शतूत खाइए, आम का मौसम में आम खाइए, अपने घर में अपने किचन गार्डन में वो फ्रूट्स लगाइए, बाजार में खट्टे आम भी आएंगे कच्चे आम भी आएंगे वो मत खाइए। ओके, तो फ्रूट्स का जूस पीजिए बिना साल्ट, बिना आइस, बिना शुगर। ओके, तो यह बॉयलर की ड्यूटी है, आपने ईमानदारी से निभानी, आपके टोटली चिकन पॉक्स ठीक हो जाएंगे। तीसरा, एनीमा एंड क्लीन स्टोमैक। क्योंकि आपने नियम नहीं पालन किए थे, सुबह टॉयलेट नहीं गए थे, शाम को टॉयलेट टाइम पे नहीं गए थे, सुबह 4 बजे टॉयलेट जाना चाहिए, 3:30 बजे सुबह उठ के पानी पी के जाना चाहिए, आप नहीं गए थे, शाम को हर शाम को 8 घंटे तक भोजन पच जाता है, हर 6 से 8 बजे तक आपको टॉयलेट जाना चाहिए, नहीं गए थे, जिसकी वजह से पेट में आपकी 40 फीट आंत, जो छोटी आंत है, बड़ी आंत है 5 से 10 9 फीट, उसमें डस्ट डस्ट भरा हुआ है। अब एनीमा लीजिए, ठीक बाजार से मिल जाएगा, पानी होता है और उसका 1/2 फीट पाइप होता है, वो अपने गुदा द्वार में डाल के जितना भी डस्ट हो निकालिए, जैसे ही डस्ट निकलेगा आपके चिकन पॉक्स के जो ये फिंसियां ये खत्म हो जाएंगी, दिखेंगे भी नहीं कभी जिंदगी में। ओके, तो वो ड्यूटी कौन सी है, विकेट कीपर की है, जब भी उसके पास कोई गोल आता है मीन्स कोई बॉल आएगी तथा वो भाग रहे हैं बैट्समैन, तो उसने हिट मारना है विकेट के ऊपर, ताकि जितने ज्यादा बैट्समैन फेल हो जाएंगे, रन आउट हो जाएंगे रन करते हुए, तो उतनी क्षति आपकी टीम जीत जाएगी। ओके, तो आपने अपनी टीम जो हेल्थ की टीम है वो जितानी है, आपको हेल्थी रहना है, आपको अपना इम्यून सिस्टम सॉलिड करना है। ओके दोस्तों, अगर यह 3 बातें एक बार फिर बता देता हूँ। नंबर फर्स्ट स्टेप, डिस्टर्ब नहीं करना, स्क्रैच नहीं करना, इसको खुजली नहीं करनी, आपका मन करता है, पहले बहुत सारे गलत आदतों में अपने मन को आपने भटकाया था, ब्रह्मचर्य का नाश किया था, उसकी वजह से भी यह समस्या आती है। अब मन के ऊपर कंट्रोल करना, इसको स्क्रैच नहीं करना, इसके ऊपर जब भी आपको दिल करे खुजली का कोल्ड वाटर गर्मियों के मौसम में ले लीजिए, ऊपर डालिए, हल्का सा पट्टी लगाइए, नीम के पत्तों का रस जो कि जितना विष है उसको खत्म करते हैं, बॉडी से निकालते हैं, आप नीम का दातुन भी चबा सकते हो। ओके, वो भी बहुत बेनिफिट है आपके लिए, उसका रस अंदर ले लीजिए, आपकी बॉडी प्योरीफाई, आपका ब्लड प्योरीफाई होगा। तीसरा, गर्म तली हुई चीजें तेजाब वाली जो तेजाब बनाती है वो मत खाइए, फ्रेश 7 दिन आप सिर्फ फ्रूट्स पे जो पके हुए हैं मीठे फल हैं उसको खाइए सीजन के, तथा फ्रूट्स का जूस पीजिए। इसके अलावा एनीमा लगाकर अपने पेट को साफ कीजिए, अगर एनीमा उपलब्ध नहीं है तो सुबह 3 बजे उठिए,
पानी पीजिए 2 गिलास तथा टॉयलेट जाइए शाम को भी, टॉयलेट 2 गिलास पानी पी के शाम को भी टॉयलेट जाइए, जब भी टॉयलेट आए तब भी जाइए, जितना पेट साफ होगा उतना आपकी यह समस्या ठीक होगी। ओके दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है लाइक तथा शेयर कीजिए, यह आपकी ड्यूटी है। ओके ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे कि कैसे नेचुरली चिकन पॉक्स को ठीक किया जाता है। इसके अलावा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर दीजिए। ओके तो आपको यहां से इंफॉर्मेशन अपडेट मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आप मेरे से पर्सनल ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो बी पेशेंट, आप पेशेंस रखिए, व्हाट्सएप दीजिए मुझे, या व्हाट्सएप नंबर है 93582 34925 9356234925। जब तक मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं देता तब तक इसी नियमों को आप इस वीडियो को सुबह और शाम देखिए, इसके अनुसार फॉलो कीजिए। जब मैं रिप्लाई दूंगा तो आपका पर्सनल ट्रीटमेंट का टाइम निश्चित किया जाएगा, तो आपको पर्सनल ट्रीटमेंट भी मेरे से ले सकते हो। ओके इसके अलावा आप किसी भी तरह में सपोर्ट देना चाहते हो, नीचे लिंक में सपोर्ट दे सकते हो। आप सब ने इस वीडियो को देखा समझा, आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत ही बहुत धन्यवाद, थैंक यू।